का जो मेन कैरेक्टर थे जेठालाल, तो उनका एक बिजनेस था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ढूंढ रहे थे, तो मेरे पास कुछ लोग आए, अपने ही दोस्त लोग थे, भाई हमको ऐसा ऐसा शूट करना है, तो पहले तो हमने मना कर दिया क्योंकि स्वागत है दोस्तों फिर से आप लोगों का एक और एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम लोग आए हैं, थंबनेल देख के आप लोग तो समझ गए होंगे, तो आप लोगों के लिए इस बार में कुछ अलग और कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। जिस चीज़ को हम बचपन से देखा करते थे, उस चीज़ को अगर हम रियलिटी में देखते हो तो एक अलग ही फीलिंग आती है। एंड उसी शॉप में मैं आया हूँ जिस शो को हम सभी बैठ के, हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देखते थे, इतना मनोरंजन होता था, जहाँ पर हमारे जेठा जी एंड साथ ही साथ टप्पू सेना और उनकी पूरी फैमिली, और साथ ही साथ मेन जो कैरेक्टर है इस शॉप से रिलेटेड है, उनका नाम है भागा बॉय और नट्टू काका। तो आज हम आ चुके हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पे, जो कि है गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। काफ़ी समय से मैं वेट कर रहा था कि हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि है गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में वीडियो शूट करना था। एंड फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक एंड इनके ओनर्स हम जानेंगे कि इनकी शुरुआत कैसे हुई। यानी भाई रियलिटी में एक शॉप है, ये कोई नकली सेटअप नहीं, आप लोग देख सकते हो। एंड यही पे शूट होता है जो मोस्टली जितने भी शूटिंग होता है, जैसे कि जब भी सेटअप लगता है तो यहाँ पर हमारे जितने भी सेट्स वाले अवेलेबल हो जाते हैं। एंड मेन जो लोकेशन है वो है गोरेगांव में फिल्म सिटी, बट वो सेटअप है, ये सेटअप नहीं है। गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इसको मोर देन 12 to 13 ईयर्स हो चुका है। अब देखते हैं, अंदर चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये ब्लॉग। और कुछ इस तरीके से दिखता है गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक अंदर से। एंड यहाँ पर आप सभी जानते हो, यहाँ पर बैठते हैं नट्टू काका एंड राइट हैंड साइड पे खड़े होकर अपना डायलॉग बोलते हैं बागा बॉय। एंड ये जो डायलॉग है मेन काउंटर, यहाँ से अपने कस्टमर्स को बुलाते हैं। एंड यहाँ पर इनका सेटअप लगता है इसी शॉप के अंदर। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, वरना ये शॉप पूरा भरा हुआ नहीं होता जब शूटिंग करने के टाइम पे। एंड ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड यहाँ पर कई लोग आते हैं, कई फैंस आते हैं जो लोग देखना चाहते हैं शॉप को। और अभी मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ इस शॉप के ओनर से। एंड ये हमारी याद है, यहाँ पर हम बचपन से देखते थे कि किस तरीके से नट्टू काका एंड यू नो यहाँ पर नट्टू काका के एंड यहाँ पर हमारे जेठा जी दोनों की बहस चलती थी। एंड बहुत अच्छा लगता था देख के। एंड जब हम लाइव इस शॉप में आए तो एक अलग ही फीलिंग है, और रियलिटी में और टीवी पे देखने में बहुत अलग बात होता है, बट इट्स वेरी गुड। एंड ये देखो ये शॉप है एंड यहाँ पर भागा बॉय खड़े होता था। एंड जो बेसमेंट की बात करते, जो पीछे जो शूट होता था, सब अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सब जगह जितने भी शूट्स होते हैं सब यहीं पे नहीं होते, सब अलग अलग जगह पे होते हैं। तो मोस्टली अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो ये है जेठालाल, जहाँ पर जेठालाल खड़े रहकर अपने डायलॉग्स प्रेजेंट करता है। हम लोग आ चुके हैं जेठालाल के शॉप में गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड आप सभी लोगों को एक क्रेविंग होती होगी कि शॉप कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या था एंड इसके पीछे क्या रहा थे। एंड इनके जो ओनर है मेरे साथ है शेखर जी। सबसे पहले तो शेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा मौका दिया यहाँ पर आने के लिए। एंड मैं माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया ब्लॉग बनाने के लिए। एंड सबसे पहले बताना चाहता हूँ शेखर जी बहुत ग्राउंड टू अर्थ है, आप लोगों को कुछ भी खरीदना आप एनी टाइम आओ, आपको शेखर सर सब कुछ बता देंगे। तो शेखर सर आपसे एक छोटी सी चीज पूछना है, अभी शूटिंग चालू है या नहीं? नहीं, अभी फिलहाल तो पैंडेमिक चल रहा है, इसके लिए स्लो है, नहीं है। ओके, पैंडेमिक के चलते अभी शूटिंग कम हो चुकी है। एंड सर मैं जान सकता हूँ कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ था आपकी जर्नी लाइक गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक, मुझे सब पता है, बट मैं अपने ऑडियंस लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। तो अभी शॉप को तो 20 साल हो चुका है, बट शूटिंग लास्ट 13 ईयर से चल रहा है, अभी 14th ईयर चल रहा है। तो जब उनको उन्होंने स्टोरी लाइनअप सोची थी, तो उनका जो मेन कैरेक्टर थे जेठालाल, तो उनका एक बिजनेस था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ढूंढ रहे थे, तो मेरे पास कुछ लोग आए, अपने ही दोस्त लोग थे, भाई हमको ऐसा ऐसा शूट करना है, तो पहले तो हमने मना कर दिया क्योंकि क्या था कि हमने कभी शूटिंग तो अगल बगल में बहुत होता है, बट शॉप के अंदर कभी हमने शूटिंग किया नहीं है। तो एक थोड़ा सा डर बोलते ना कि चोरी का तो डर तो था ही था, बट अदर देन दैट होता है ना, अपना प्रोडक्ट है, हमको कुछ अगर बेचना है, अगर कुछ स्क्रैच हो गया, डेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा होगा। तो प्रोडक्शन हाउस वाले अपने दोस्त ही थे, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर अगर कुछ हो भी गया तो वी आर देयर, हम उसको आपको संभाल लेंगे। बट टच वुड आज तक, मतलब इतने 13 साल में लगभग मोर देन 3000 के ऊपर एपिसोड्स हुए हैं, बट कभी दुकान पे ही कितने हुए मुझे भी मालूम नहीं, मैं काउंट तो कर नहीं गया, बट आज तक कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है,
बहुत से हमने एपिसोड्स में बहुत सारे चीज इधर एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, बट कभी कुछ चीज को या कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। बोलते ना अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग के साथ हमारा एक कनेक्शन अच्छा था, फैमिली जैसा है। एग्जैक्टली सर, आप इतने अच्छे हो तो डेफिनेटली आपको भी अच्छे लोग ही मिलेंगे। लोगों ने अपनी यादों के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान खरीदना चालू किया है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बिजनेस में भी हमको थोड़ा बहुत कुछ मिला है। डेफिनेटली सर, क्यों नहीं आएगी आपके तो शॉप में, तो अभी तो आएगी। हाँ, और एक बात है, अगर ना खरीदो तो मैं मना नहीं करता हूँ किसी को फोटो लेने में। मैं किसी को बस अपना अपना ये है, सबका अपना चॉइस है। अगर फोटो लेना है ले लो, वीडियो लेना है ले लो। अगर ये नहीं करते, कुछ सामान नहीं खरीदते, बुरा नहीं मानते, बट एक है, आई एम स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। सर मैंने आपका जो एक लास्ट वीडियो देखा था, उसमें भी आपने यही चीज कहा था कि जब मेरी फैंस नहीं रहूंगा मैं, जब हमारे यहाँ से लोग निकल के आते, कस्टमर निकल के आते, उनके चेहरे पे जो हंसी मुस्कान रहती, जो वीडियो बनाने आते, तो वो मुस्कान और वो खुशी आपको देख के आप बहुत खुश रहते उस चीज के। नहीं, वो तो अच्छा लगता है ना, कि क्या होता है आज की तारीख में, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वो लोग जो है टीवी पे आपको खुश करते हैं, मैं दुकान पे लोगों को खुश करता हूँ, बस और कुछ नहीं। हर घर में टंटा है, आधे से ज्यादा पब्लिक अभी कोरोना की वजह से डर के मारे ऐसे ही मर गए, डर के मारे, डिप्रेशन ये वो, बट कम से कम मेरे यहाँ आते तो मैं तो सोचता हूँ कि मैं कम से कम लोगों को खुश तो कर सकता हूँ। दैट्स गुड सर, दैट्स गुड, एंड थैंक यू सो मच शेखर सर। आई नो आपके कस्टमर्स भी है, तो मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा सर, एंड थैंक यू सो मच।